हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल पर ममताज फ्लेवर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं सांभर की रेसिपी, वो भी बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में। दोस्तों, वैसे तो सांभर साउथ इंडियन डिश है, लेकिन अब ये सभी घरों में बनाया जाता है। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल से सांभर बनाना बताऊंगी। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं सांभर। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सांभर बनाने के लिए मैंने लिए 200 ग्राम तूर दाल, इसे अरहर की दाल भी कहते हैं। मैंने इसे अच्छे से साफ करके साफ पानी में धो के भिगाने रख दिया है कम से कम आधे घंटे के लिए। अब हम सब्जी ले लेंगे, कद्दू पीला वाला, लौकी, गाजर और ड्रमस्टिक। आप चाहे तो कोई भी सब्जी ले सकते हैं। फिर मैंने ले लिए 3 टमाटर मोटे कटे हुए और 2 प्याज, मैंने इन्हें मोटा मोटा काट लिया है। अब हम तड़के के लिए ले लेंगे लाल मिर्च, राई और 1 चम्मच जीरा। मसालों में हम लेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम लेंगे 2 टेबल स्पून सांभर मसाला, आधा कटोरी इमली ले लेंगे, इसे मैंने 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोने के लिए रख दिया था। फिर मैं इसे अच्छे से मैश करके इसका पानी निकाल लेंगे। अब हमारी दाल मैंने कुकर में चढ़ा दी है, इसमें डाल लेंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी। इसे कम से कम 2 से 3 सीटी लगाने के लिए गैस पर रख देंगे, हाई फ्लेम में। ये देखिए, मेरी दाल 2 से 3 सीटी के बाद ये नरम हो गई, सॉफ्ट हो गई है, मैंने गैस से उतार ली है। अब हम इसमें सारी सब्जियां डाल लेंगे। सारी सब्जियों को डाल लेंगे, साथ के साथ इसमें टमाटर प्याज भी डाल लेंगे जो मैंने पहले से ही काट के रखे हुए थे मोटे मोटे। अब मैंने जो इमली भिगाई हुई थी मैंने अच्छे से मैश करके उससे छन्नी से छान के उसका पानी निकाल लिया है। अब इसमें आधी कटोरी इमली का पेस्ट डाल देंगे। गैस पर रख के इसमें 1 सीटी लगा लेंगे। तड़के के लिए हमने गैस पैन पर रख लिया है, इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। फिर इसमें राई डालेंगे, जीरा डालेंगे और साथ ही साथ इसमें लाल मिर्च भी डाल लेंगे। इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी, गैस को मैंने बंद कर लिया है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। तेल गरम है तो मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगे और अच्छी खुशबू आएगी। इसमें मैंने 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च भी डाल लिया, उससे सांभर का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। मेरी दाल बिल्कुल पक चुकी है, अब इसमें तड़का लगा लेंगे। दोस्तों, अब हमारा सांभर बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों, आप भी घर पे आसानी से बना सकते हैं सांभर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मैं फिर मिलूंगी आपको एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।